सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी। पता है कि बहुत दिन से वीडियोस नहीं आया है, लेकिन मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, मेरा सेमेस्टर अभी चल रहा था, कुछ ही दिन पहले ख़त्म हुआ, तो मैं अभी कुछ काम नहीं कर पाया। तो इस सेमेस्टर चलने के दौरान मैं कुछ भी काम नहीं कर पाया और एक भी वीडियो नहीं ला पाया। लेकिन फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप वीडियो आ चुका है और इस बार मैंने कुछ अलग ट्राई किया है। इस बार मैंने मिक्स मीडिया पे पेंटिंग किया है। ये मैंने जो एक पेंटिंग किया है वो मेरा एक दोस्त का है, और उसका सामने रिसेंटली बर्थडे था, तो एज ए बर्थडे गिफ्ट मैंने इसको प्रेजेंट दिया। तो चलिए देखते हैं। रुको 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 रुको, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो जल्दी, नीचे बटन दिया हुआ है। जैसा कि आपने इस पेंटिंग में देखा, मैंने तीनों चीज़ों का, मतलब तीनों मीडियम का यूज़ किया है। एक तो चारकोल, दूसरा वाटर कलर और एक ओपेक,
मतलब जो कैमल का गुआश, हम ओपेको गुआश भी बोलते हैं, तो जो गुआश पेंटिंग है पोस्टर कलर, तो उसका उसका मैंने यूज़ किया है। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि एक्सपीरियंस, तो जिस पेपर में मैंने यह काम किया तो उस पेपर ने मेरा पूरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि कलर का जो क्लैरिटी है, जो विविडनेस है ना, तो इस पेपर ने पूरा उसको फेड कर दिया, कलर को पूरा फेड कर दिया। तो मैं बहुत सेटिस्फाई नहीं हूँ उस बार, क्योंकि इस पेपर का क्वालिटी बहुत ही चीप है, और मैं जहाँ पर रहता हूँ तो वहाँ पर इससे, मतलब इससे अच्छा क्वालिटी का पेपर नहीं मिलता। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट बार जब भी मैं इस मिक्स मीडिया में काम करूँ तो अच्छी वाली पेपर में ही करूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करना मत भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में या फिर मेरे फेसबुक पेज आर्ट विद रेमो में मुझे फॉलो कर सकते हो।